मैं बिल्कुल मंत्री साहब की मीत हेयर जी की गल सहमत हाँ, क्योंकि मैं 20 साल 22 साल सारा कुछ अपने उत्ते हंडाया। प्रगट सिंह जी सामने बैठे ने, समाइल दे रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ अपने उत्ते हंडाया। आपां नूं वध तो वध ग्राउंडां बनाउणियां चाहीदियां ने कि बच्चे ग्राउंड तक पहुँच सकन। पंचायतों नूं भी, इलाके के मोहतबर सज्जनों नूं भी, ते मीत हेयर जी की सोच जिहड़ी बिल्कुल वधिया कि आप ग्राउंडा दे लई पंचायती जमीना अपने को एकड़ दो एकड़ पईआं, ते वध तो वध मैं मीत हेयर जी नूं बेनती करदा कि कोई इहो जी पॉलिसी बनाई जाए कि जिहड़ा भी MLA साहिबान वध तो वध ग्राउंडा बनाएगा उन्हां नूं वध तो वध जिहड़ी ग्रांट दित्ती जाएगी। ते मैं अज ही कहना मीत जी नूं कि मेरे कोल 10-12 पिंडां दीआं ग्राउंडां जिहड़ियां रेडी पईआं ने, जदों मर्जी आ जाओ चैक कर लो, वो बच्चे खेडण दे लई रेड़े ने। मैं अज सवेरे अपनी टीम नूं गड्डी दे विच आउंदी वारी कह के आया कि आप 1 महीने के 10 ग्राउंडा जिहड़ियां चलदियां करनियां। सो धन्नवाद मीत जी, तुहाडी जिहड़ी सोच आ बड़ी वधिया। आपां ग्राउंडा ज़्यादा बनाउणियां, आपां कंट्रक्शन ज़्यादा जिहड़ी घट तो घट आपां बिल्डिंगां दा जिहड़ा ध्यान देण दी बजाए आपां अपने यूथ दे उत्ते खेडां दे उत्ते उहनां नूं ग्राउंड दे विच किवें लै के जाणा आपां इत्थे ध्यान देईए। धन्नवाद जी, बहुत बहुत जी। गुरलाल जी बड़े वड्डे इंटरनेशनल प्लेयर रहे आ, इहनां दे दिल च इह दर्द वी है कि अज पंजाब जिहड़ा खेडां चों बहुत ज़्यादा पछड़ चुक्किआ। हुण खेलो इंडिया च वी असी बहुत मतलब कि किते पंजाब 2004-05 तक जे मैं गलत नहीं तो प्रगट सिंह जी बैठे आ पहले नंबर पर रहिंदा सी, ते अज असी बहुत मैं समझदा कि पछड़ चुके हैं। सो इहदा कारण यही है कि पंजाब च जिहड़ा स्पोर्ट्स कल्चर सी वह खत्म हो चुका। सो अज जरूरत है कि स्पोर्ट्स कल्चर नूं जिहड़ा रिवाइव किया जाए, तो उहदे लई यही जो मैं परसों भी कहा सी कि सारे, क्योंकि असी सारे इत्थे मानयोग मैंबर साहब बैठे हाँ, सानू सारयां नूं ही यह हंबला मारना चाहिए, चाहे ओपोजिशन दे साडे साथी आ चाहे जिहड़े सरकार धिर च बैठे आ, कि असी सारे अपने हलकियां च वध तो वध जिहड़े पंचायतां दे नाल गल करके उन्हां तों जमीनां लै के उत्थे जिहड़े ग्राउंड आ उह तैयार कर सकीए। अकाली साहब बैठे आ, मैनूं लगदा नहीं भी जे असी ग्राउंड तैयार करने आ, जे असी उत्थे पौड़ियां नहीं बनाउणियां, कमरे बहुते नहीं बनाउणे, ठीक है वॉशरूम चाहिए, एक अद्धा कमरा चाहिए बना दिए, कि उत्ते कोई बहुता जिहड़ा खर्चा है वह आऊगा। सिर्फ जरूरत है तो इच्छा शक्ति की, सरकार 100% इसलिए कमिटमेंट कमिटड है। CM साहब ने कहा कि जेडे ग्राउंड ने हर हल्के जिथे भी पंचायती जमीन है हर कि जी सरकार बनाने की कोशिश करूगी, कल ग्राउंड नहीं इस तो अलावा भी, क्योंकि सर मैं हूँ बड़े जगह पर कई जेडे होस्टल है मैं उत्थे विजिट करके आया, मैं देखा कि जेडे आम तौर पर साडे जेडे खिडारी जेडे विंग्स के विच ने होस्टल के विच ने ना बहुते गरीब घर दे। सो कल अरोड़ी साहब ने भी जेड़ा एक सवाल किया कि जी उत्थे मैस नहीं चल रही, असी कोपरेटिव मैस भी चला रहे हैं उन्होंने खिडारियों की डाइट ली उहदे नाल नाल सर, क्योंकि 2016 तो बाद वह भी मैनू लगता इलैक्शन ईयर थी, मैं पहला भी जिक्र किया कि इलैक्शन ईयर के इतने बड़ा कुछ हो जाता है। पंजाब के किसी भी खिडारी जे मैं गलत नहीं तो 2016 तो बाद सर इक्विपमेंट तक नहीं दिता गया, जदों असी किसी गरीब खिडारी ने कोई इक्विपमेंट नहीं लैके दे रहे तो असी किस तरह उम्मीद कर सकते भी भाई वो कल मैडल लैके आऊगा ओलंपिक के, किस तरह उम्मीद कर सकते हैं भी वह जिहड़ियां खेलो इंडिया हुई उन्होंने मैडल लैके आऊगा। सो सर मान साहब ने इस गल का मेरे नाल वादा भी किया कि आने वाले समय च जिन्हें भी साडे खिडारी है जिहड़े प्रोफेशनल ने सारिआं नूं इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करवाए जाणगे, ते पंजाब दे पिंडां दे विच वध तों वध जिहड़े ग्राउंड आ उह वी बणाए जाणगे ताकि दुबारा पंजाब दीआं खेडां नूं पहले नंबर ते लैके आ जाए।